चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारे अनाराम होते हैं उनको हम इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, छोटा आ। तो इसको इंग्लिश में हम किससे बनाते हैं, ए से बनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा बड़ा वाला आ। इसको इंग्लिश में हम किससे बनाते हैं, डबल ए से। इसके बाद आती है हमारी छोटी ई। इसको इंग्लिश में हम किससे बनाते हैं, आई से। इसके बाद आती है हमारी बड़ी ई। तो बड़ी ई को इंग्लिश में हम किससे बनाते हैं, डबल ई से। इसके बाद आता है हमारा छोटा वाला उ। इसको इंग्लिश में किससे बनाते हैं, यू से। उ के बाद आता है हमारा बड़ा वाला उ। इसको इंग्लिश में हम किससे बनाते हैं, डबल ओ से। और उ के बाद आता है हमारा ऋषि। तो ऋषि को इंग्लिश में बनाते हैं हम आर आई से। इसके बाद आती है हमारी ए। तो ए को इंग्लिश में बनाते हैं हम ई से। ए के बाद आती है हमारी आई। आई को इंग्लिश में हम बनाते हैं ए आई से। आई के बाद आता है ओ। ओ को इंग्लिश में बनाते हैं हम ओ से। और ओ के बाद आता है हमारा औ। औ को इंग्लिश में बनाते हैं हम ए यू से। इसके बाद आता है हमारा अंग। तो अंग को इंग्लिश में बनाते हैं हम ए एन से। अंग के बाद आता है हमारा गे। तो इसको इंग्लिश में बनाते हैं हम ए एच से। अब आता है हमारा का। तो का को इंग्लिश में बनाते हैं हम के से। क के बाद आता है ख। ख को इंग्लिश में बनाते हैं हम के एच से। ख के बाद आता है ग। तो ग को इंग्लिश में बनाते हैं हम जी से। ग के बाद आता है घ। तो ग को बनाते हैं हम जी एच से। इसके बाद आता है हमारा अड़ा। तो अड़ा को बनाते हैं हम आर से। अब बच्चों इनके बाद आता है हमारा च। तो च को बनाते हैं हम सी एच से। अब च के बाद आता है छ। तो छ को बनाते हैं हम सी डबल एच से। इसके बाद आता है हमारा ज। तो ज को बनाते हैं हम जे से। इसके बाद आता है हमारा झंडा वाला ज। तो इसको बनाते हैं हम जे एच से। इसके बाद आता है हमारा अड़ा। तो अड़ा को बनाते हैं हम एन से। इनके बाद आता है हमारा ट। तो ट को बनाते हैं हम टी से। ट के बाद आता है ठ। तो ठ को बनाते हैं हम टी एच से। इसके बाद आता है डाडमरू। तो इसको बनाते हैं हम डी से। डाडमरू की बात आता है ढक्कन वाला डा। तो इसको बनाते हैं हम डी एच से। और इनके बाद आता है हमारा अड़ा। तो अड़ा को बनाते हैं हम एन से। अब इनके बाद आता है हमारा त। तो त को बनाते हैं हम टी से। त के बाद आता है थ। तो त को बनाते हैं हम टी एच से।
इसके बाद आता है हमारा द, तो द को बनाते हैं हम डी से। द के बाद आता है ध, तो द को बनाते हैं हम डी एच से। द के बाद आता है न, न को बनाते हैं हम एन से। न के बाद आता है प, तो प को बनाते हैं हम पी से। प के बाद आता है फ, फ को बनाते हैं हम पी एच से। अब इसके बाद आता है हमारा ब, तो ब को बनाते हैं हम बी से। ब के बाद आता है भ, तो भ को बनाते हैं हम बी एच से। इसके बाद आता है हमारा म, तो म को बनाते हैं हम एम से। म के बाद आता है हमारा या, तो या को बनाते हैं हम बाई से। या के बाद आता है हमारा र, र को बनाते हैं हम आर से। इसके बाद आता है हमारा ल, तो ल को बनाते हैं हम एल से। इसके बाद आता है हमारा उआ, तो उआ को बनाते हैं हम बी से। दोस्तों हमारे तीन प्रकार के सा होते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा सीटी वाला सा। इस सा को बनाते हैं हम एस एच से। इसके बाद आता है हमारा षटकोण वाला सा, इसको भी हम एस एच से बनाते हैं। और इसके बाद आता है हमारा सपेरा वाला सा, तो इसको हम सिर्फ एस से बनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा ह, ह को बनाते हैं हम एच से। इसके बाद आता है छ, छत्री वाला, तो इसको बनाते हैं हम के एस एच से। इसके बाद आता हमारा त्रिशूल वाला त्र, तो इसको बनाते हैं हम टी आर से। और सबसे लास्ट में आती है हमारी ज्ञाज्ञानी, तो ज्ञाज्ञानी को बनाते हैं हम जी बाई से। अब इसके साथ में ही आपको मैं सिरा किससे बनाते हैं और इसकी स्पेलिंग क्या होती है इसको भी बता देता हूँ। तो सिरा, तो सिरा की स्पेलिंग होती है हमारी एस एच आर ए। अगर श्री लिखा है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे एस एच आर, या आप आई भी लगा सकते हैं, डबल ई भी लगा सकते हैं। या इसकी दूसरी स्पेलिंग होती है हमारी एस एच आर डबल ई। तो अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।